बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज से लाल कुआं बांद्रा एक्सप्रेस चलेगी, तो मुंबई सूरत वडोदरा से सीधे कुमाऊं मंडल जुड़ेगा और सीएम धामी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत कर दी है। तो लाल कुआं से बांद्रा तक वीकली ट्रेन चलेगी, हर हफ्ते सोमवार को ये स्पेशल ट्रेन चलेगी। तो कुमाऊं वासियों के लिए नई ट्रेन की मुख्यमंत्री धामी ने सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयास के बाद कुमाऊं मंडल से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन सेवा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस का वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया। लाल कुआं से मुंबई के लिए चलने वाली नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। राज्य से वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। इस दौरान नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने लाल कुआं में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो देहरादून से आज से नई एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, मुंबई सूरत वडोदरा से सीधे कुमाऊं मंडल जुड़ेगा। तो लाल कुआं बांद्रा एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। सीएम धामी ने वर्चुअली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने कुमाऊं को यह बड़ी सौगात दी है। कुमाऊं से ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहां से जिनका घर है यहां आना जाना होता है उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। रेल के संचालन से लाल कुआं बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधवपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा। और मुंबई के लिए शुरुआत हुई है, एक हमारी रामनगर से चलती है बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को हमारी दूसरी ट्रेन काठगोदाम से, हल्द्वानी से, और तीसरी ट्रेन आज सोमवार को, बृहस्पति, शुक्र और सोमवार, तीन दिन लगातार लोग जा सकते हैं। आवत जावत इसी तरह से वहां से आएंगे तीन दिन, तो यानी कि हफ्ते भर आवत जावत बनी रहेगी। जैसे तीन दिन आज गई फिर ये यहाँ लौटेंगी, वहां से भी आएंगे ना, तो पूरा हफ्ता पूरा होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों को बहुत बड़ा प्रभाव मिलने वाला है। हमारे तमाम व्यापारी वर्ग के लोग जो यहाँ से, क्योंकि मुंबई जो है हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग कारोबार के सिलसिले में जाते हैं। हमारे इस क्षेत्र में चूंकि ये अपना पूरा कुमाऊं से का प्रवेश द्वार है, बड़ी संख्या में विद्यार्थी से लेकर और हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो लोग आवागमन करते हैं, उन सबको सुविधा होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जल्दी ही यहाँ पर जो है वंदे भारत ट्रेन का भी ट्रेन आज हम लोगों ने यहाँ से शुरू की मुंबई के लिए। इसका रूट अलग है, जैसा आप जानते होंगे कि यहाँ से मुंबई के लिए दो और ट्रेनें भी चल रही थी, बट ये एक अलग रूट लेके जा रही है, ये दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। और इसका जो समय है वो बहुत ही बढ़िया है, 25 घंटे में ये आपको मुंबई पहुंचा दे रही है, और यहाँ से सुबह चल के ये दिल्ली आपको 1:30 बजे के लगभग पहुंचा दे रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सुबह की गाड़ियों में दिल्ली की कनेक्टिविटी भी इससे बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देहरादून में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। सीधे आपको लिए चलते हैं। सर्वोच्च बलिदान दिया और उत्तराखंड पुलिस के भी उसमें 4 वीर सपूत थे। ये सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद हैं। उनका बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे वीर जवानों की वीरता का स्मरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई है, जो हमारे पुलिस बल के
अद्वितीय समर्पण और बलिदान का जीवन प्रतीक है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। पुलिस स्मृति दिवस का दिन न केवल हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, बल्कि आज का दिन हमें यह भी स्मरण कराता है कि हमारा पुलिस बल अपनी कर्तव्य निष्ठा, साहस और अद्वितीय समर्पण के साथ प्रतिदिन अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी पुलिस ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो या देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद हो या प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर कानून व्यवस्था से जुटी जटिल परिस्थितियां हों। हर परिस्थिति में हमारी पुलिस ने अदम्य साहस और वीरता विवेक का अभूतपूर्व परिचय दिया है। साथियों, हमारे राज्य की अंतर्राष्ट्रीय दो दो सीमाएं नेपाल और चीन से मिलती हैं, वहीं अंतर्राज्यीय हिमालय और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में हमारे पुलिस कर्मियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है कि किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तंभ है। हमारे राज्य की पुलिस भी सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक चुनौतियों को, जैसे नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, भूस्खलन, कावड़ यात्रा आदि का प्रबंधन करती है। इस वर्ष भी जैसा अभी बताया गया 4,40,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हमारे चारों धामों में हुआ है। इसके अतिरिक्त भी अनेक अनेक स्थानों पर देश और दुनिया के चाहे पर्यटक हो, तीर्थयात्री हो, श्रद्धालु हों, हमारे राज्य में आते हैं और राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी समेत अनेक हमारे महानुभाव उनके जो प्रवास होते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, उसको भी सफलतापूर्वक संपन्न करवाने का काम करते हैं। अभी वैश्विक शिखर सम्मेलन हो चाक, उसमें भी पुलिस ने अपना योगदान दिया और भी अनेक अवसरों पर पुलिस हर एक उस अवसर पर जहां उसकी ज़रूरत होती है वहां पर पहुंचती है। उसके लिए मैं उनकी बहुत प्रशंसा भी करता हूं। हमारा राज्य लगातार प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमको करना पड़ता है, लेकिन हर बार पुलिस ने अपने साहस से, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए बहुत सारे लोगों की जान बचाने का भी काम किया है। आज के आधुनिक युग में जब हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान तेजी से आज नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही हैं, तो अपराध का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसे में पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दोनों ही हो जाती है। हम न केवल अपने पारंपरिक अपराधों जैसे चोरी, डकैती, हत्या और महिला अपराधों से लड़ रहे हैं, बल्कि नशा और साइबर अपराध जैसे नए खतरों का भी सामना कर रहे हैं। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक ठोस योजना बनानी होगी। साथ ही जो नशा है वो आज हमारे लिए एक बहुत ही तो पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार जाखन देहरादून में पेयजल की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने दून विहार वितरण प्रणाली पेयजल योजना के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। बता दें कि ये योजना 430.20 लाख रुपए की लागत से बनेगी। इस योजना के माध्यम से क्षेत्र के 4,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का भी निरीक्षण कर निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर उत्तराखंड प्रदेश कमेटी के सह प्रभारी प्रगट सिंह रुड़की पहुंचे।
जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार रुड़की आया हूं और कार्यकर्ताओं को टीम के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा ताकि कांग्रेस जिले, प्रदेश और देश में मजबूत हो, और चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बाद में मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा ताकि चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। देखो, मैं तो सह प्रभारी हूँ यहाँ का, और मेरी एक ड्यूटी लगी है कि मैं यहाँ काम करूँ और एक टीम बना के आगे बढ़ेंगे। सो मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम एक टीम के तौर पे आगे काम करेंगे, जो स्टेट के बेनिफिट में भी होगा, कांग्रेस के बेनिफिट में भी होगा और देश के बेनिफिट में भी। कोई बात नहीं, देखो कई बार होता क्या है कि चलो ये हर स्टेट में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि एक टीम बना के आगे बढ़े जाए। तो इस समय देहात क्षेत्रों में कई गन्ना कोल्हू संचालित हो रहे हैं, जिसमें कई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। कोल्हू में कपड़ा प्लास्टिक जलाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन की टीम लगातार देहात क्षेत्रों में दिन रात चेकिंग अभियान चला रही है ताकि प्रदूषण फैलाने वाले गन्ना कोल्हुओं पर शिकंजा कसा जा सके। वहीं अब तक 20 से ज्यादा गन्ना कोल्हू सील भी हो चुके हैं। बिना लाइसेंस के कोई भी गन्ना कोल्हू संचालित नहीं कर सकता है, और अब गन्ना कोल्हू संचालित के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया है। जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि अगर कोई गन्ना कोल्हू संचालक लापरवाही करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जो इन्होंने कचरा डाल रखा है, ये पता नहीं किसने, कि हमने पता भी करा महल्ले में, कहने भाई किसने कचरा डाला, तो ये किसने हमें बताया नहीं, कहने भाई किसने डाल रखा है। यहाँ रात को आते हैं, डाल के चले जाते हैं, फिर यहाँ से जो है कभी ले जाते हैं, रात को लेके जाते हैं, चरखी वरखे में जो है जलते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं सर। इस पे कोई कानून जो है कार्रवाई जो है होनी चाहिए। जो है ये बीमारी हो रही है जी, सांस का मर्ज हो रहा है, जो है बुखार जो है बीमारी चल रही है बहुत ज़्यादा, और बदबू इतनी है बहुत ज़्यादा। आपका जो है काफ़ी गंभीर रवैया है, और उनके द्वारा एक कमेटी गठित की गई है जिसमें जो है पॉलिसी विभाग के अधिकारी हैं, गन्ना विभाग के अधिकारी और जिला स्तर से या तहसील स्तर के जो भी अधिकारी हैं, संबंधित SDM है, वो उस कमेटी में वो हैं। हमारे द्वारा जो है जितने भी कोल्हू जो हैं वो बिना लाइसेंस के खांडसारी जो हैं, बिना लाइसेंस को ऑपरेट कर रहे हैं, उन सभी को बोला गया है कि आप जो है अपना जो है लाइसेंस बना लें। इसके साथ जो है संबंधित विभागों का एक मीटिंग बुलाया जाएगा जल्दी मेरे द्वारा, 2-3 दिन के अंदर, और कोल्हू के जो भी प्रतिनिधि हैं, कोल्हू जो चलाते हैं, कोल्हू चरखे वाले, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको बुला के भी समझाया जाएगा कि आप जो है कोल्हू में जो है जो प्रतिबंधित मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। उधर जसपुर में राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई के चुनाव में अमित त्यागी दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। पर्यवेक्षकों ने विजयी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराकर उन्हें प्रमाण पत्र दिए। इसके बाद समर्थकों ने जुलूस निकालकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के बीच नगर में जुलूस निकालकर मिठाइयां बांटी गई। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित त्यागी ने कहा कि काफी लंबे समय के बाद राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव हुआ है। शिक्षकों के जितने भी लंबित प्रकरण हैं, शिक्षकों की समस्याओं को जल्द उच्च स्तर पर रखकर उनके समाधान किए जाएंगे। ट्रांसफर नियमावली का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। जितने भी लंबित प्रकरण, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक लंबे समय के बाद जो है उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव संचालित हुआ है, और ये चुनाव होना शिक्षकों की एक बहुत बड़ी जीत है। इससे संगठन अस्तित्व में आ चुका है, और अब हमारी जो भी समस्याएं शिक्षकों की हैं उन्हें हम उच्च स्तर पर उठाएंगे, जिससे जल्द से जल्द शिक्षकों की समस्याएं समाप्त हो सकें। ट्रांसफर नियमावली के लिए हमारा यही कहना है कि जो एक्ट आपने बनाया है उसी के अनुसार कार्य करें। दरअसल देखने में आता है कि एक्ट का बहुत बड़ा उल्लंघन भी होता है, हमारी यही मांग रहेगी कि एक्ट के अनुसार ही काम करें। उधर हरिद्वार जिले में त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। दूध वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है, जिसमें जगजीतपुर बॉर्डर और सुमन नगर बॉर्डर पर दूध सप्लाई करने वाले वाहनों से सैंपल लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस के दूध बेचने वालों और साफ सफाई का ध्यान न रखने वालों को नोटिस जारी किए हैं। विभाग का यह अभियान त्योहारों को देखते हुए लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।
उधर विकास नगर के बैरागी वाला गांव में प्रशासन की तकनीकी टीम विकास कार्यों की जांच के लिए पहुंची। ग्राम विकास अधिकारी के नेतृत्व में गांव में पहुंची तकनीकी जांच टीम ने सभी 14 शिकायती बिंदुओं पर जांच की। दरअसल कुछ समय पहले ग्रामीणों ने गांव में हुए विकास कार्यों में घोटालों का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी देहरादून से जांच की मांग की थी, जिसके बाद कई बार प्रशासन की टीम गांव में जांच के लिए पहुंच चुकी है। ग्रामीण विकास अधिकारी का कहना है कि तकनीकी टीम ने सभी 14 शिकायती बिंदुओं पर जांच की है, जिसकी रिपोर्ट जल्द जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। ग्राम वासियों द्वारा शिकायत की गई थी ग्राम पंचायत कार्यों के संबंध में, इस संबंध में हमारे प्रशासन की तकनीकी टीम द्वारा जांच की जा रही है और निश्चित रूप से जांच में दोनों के पक्ष के लोग सहयोग कर रहे हैं, शिकायतकर्ता के पक्ष के लोग और ग्राम पंचायत के पक्ष के लोग। तो जांच निरंतर जारी है, जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अग्रिम रिपोर्ट दी। उधर 24 अक्टूबर को होने वाले किसानों की महापंचायत फिलहाल स्थगित हो गई है। वहीं आज ADM ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहित प्रशासन के कई अधिकारियों की मौजूदगी में एक किसानों की बैठक हुई, जिसमें कई मांगों पर चर्चा हुई और जिला स्तर की मांगों पर सहमति भी बनी और अन्य मांगों को शासन तक पहुंचाने को कहा गया। वहीं किसान नेता पदम सिंह रोड ने कहा कि यदि मांगों पर अधिकारी खड़े नहीं उतरेंगे तो 5 नवंबर को महापंचायत करने को मजबूर हो जाएंगे। साहब के निर्देशानुसार जो है किसान यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं पदम सिंह रोड जी और ADM साहब के अध्यक्षता में बाकी जो तहसील से हैं लक्सर तहसील के SDM महोदय, भगवानपुर तहसील से SDM महोदय और अन्य जो संबंधित विभाग हैं PWD विभाग हो गया, BC विभाग हो गया, संबंधित जो पदाधिकारी हैं इन विभागों के, उन सभी की उपलब्धता में उनके जो प्रेजेंस में जो है आज एक मीटिंग हुई है। किसान यूनियन द्वारा जो है अलग अलग जो उनके गुट हैं उनके द्वारा जो समय समय पे विभिन्न प्रकार के देखो ये आश्वासन देंगे, कुछ समस्या होगा कुछ निस्तारण भी करा दो चार का, अगर ये उस बात पर खड़े नहीं उतरते अधिकारी तो हम 5 तारीख को फिर अपनी महापंचायत करेंगे। हमने 24 की रखी थी, उसमें DM साहब ने हमें कहा था कि आप वार्ता करना अधिकारियों से, अगर तुम्हारी समस्या नहीं बढ़ जाती है इनका निस्तारण हो जाता है तो अपना स्थगित कर दो, और नहीं होता तो भाई आप भी स्वतंत्र हम भी स्वतंत्र, हम अपनी बात कहने को कोई हम कोई दब तो रही नहीं किसी। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विवाद मस्जिद को लेकर हुआ, जिसमें पहले कहा सुनी हुई और बाद में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि इस मस्जिद को लेकर पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है और उस वक्त भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। अब पुलिस दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक समझौते के लिए तैयार कर रही है, अगर समझौता नहीं होता या फिर दोबारा से किसी प्रकार का झगड़ा होता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों पर नजर रखी जा रही है। एक मस्जिद को लेकर आपस में एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा चल रहा है और इससे ये हम लोगों के संज्ञान में भी है, इसमें प्रॉपर कार्रवाई भी की जा चुकी है और इस पर पूरी नज़र रखी जा रही है और कल भी इसको लेके उनके बीच में विवाद हुआ है और ये हमारे संज्ञान में है, इसमें उचित जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी और दोनों पक्षों को बुला के समझाया भी जा रहा है। उधर रुड़की के कोतवाली सिविल लाइन्स क्षेत्र में खनन कारोबारी के बेटे पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी नरेंद्र बिश ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम की गहराई से जाँच कर रही है। जिसको चोट लग गई थी मेरे भाई को तो इसका प्लास्टर कटवाना है, तो वहाँ गोली चल रही थी तो गोली बीच में बैठा था उसको गोली लग गई, इनको यहाँ लगी जी कोक में। कौन लोग हैं जिन्होंने गोली मारी है? वो नहीं पता जी, नगड़ाई मरती अभी क्या पहचान हुई जी, हम तो जल्दी जल्दी हम फिर इसलिए यहाँ आए भाई मेरा वहाँ गया जिन्होंने रेफर करे सीरियस हो। अभी एक पेशेंट आया था हमारे पास वरीश नाम का, लंडोरा का रहने वाला है, नगला मूर्ति में सुना है कि गोली लगी है, अभी प्राथमिक उपचार देके उसको हमने रेफर कर दिया, अभी गंभीर है स्थिति, खुद ही लेके आए थे उसके परिजन, अभी एक व्हाट्सएप उन्हें PI हमने थाने में भेज दी।
वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आश्रम से लापता महंत गोविंद दास की गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आश्रम की संपत्ति हड़पने के लिए चार आरोपियों ने महंत की गला घोटकर हत्या कर दी और शव को गंगा नदी में फेंक दिया। हालांकि अभी तक शव बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस मुख्यालय रोशनाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस हत्याकांड में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम की सराहना करते हुए एसएसपी ने उन्हें 5,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस की जांच में पाया गया कि जून 2024 के बाद से आश्रम में एक नया बाबा राम गोपाल नाथ रह रहा था, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। कड़ी पूछताछ के बाद राम गोपाल नाथ ने स्वीकार किया कि आश्रम की संपत्ति के लालच में महंत गोविंद दास की हत्या कर दी गई। जो महाजून से गायब चल रहे थे, हालांकि जो उनकी जगह पे जो बाबा वहां बैठे थे उनके द्वारा ये बताया गया कि वो यहां से अयोध्या गए हैं और यही उनके द्वारा प्रचारित किया जा रहा था। इसी बीच उनके एक पूर्व अनुयायी द्वारा पुलिस को 17 तारीख को एक कंप्लेन दी गई, जिससे उनके द्वारा बताया गया कि महाजून से बाबा यहाँ पर नहीं है। इसमें तक हमारे एसओ कनखल और सीओ सिटी और एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को करते हुए कार्य करते हुए वहां पर जो बाबा बैठे हुए थे राम गोपाल जी, उनसे जब पूछताछ की गई तब सारी चीज़ें सामने आई। इसका इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अशोक, जिसके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से ले जाके उनकी हत्या करना और उनकी जगह पे एक फर्जी बाबा को बैठाना, ये उनके द्वारा स्वीकार किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा अब तक 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और अन्य अभियुक्तों की भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जल्दी अन्य इसमें अरेस्टिंग्स भी की जाएंगी। उधर मेडिकल स्टोरों पर नशे की दवाइयों की बिक्री किए जाने की शिकायत के बाद ड्रग्स विभाग हरिद्वार में लगातार मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की जा रही है। औचक छापेमारी की सूचना के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों पर में हड़कंप मच गया है और कई मेडिकल स्टोर स्वामी स्टोरों पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। मंगलौर कस्बे में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने पुलिस के साथ मिलकर आलम मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और नारकोटिक्स दवाइयां बरामद की गई। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक मौका पाकर फरार हो गया। ड्रग्स विभाग ने सभी प्रतिबंधित दवाइयों को कब्जे में लिया, साथ ही ड्रग्स विभाग मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गया है। क्षेत्र का और चुड़िया वाला और उसके अलावा जो है तेजूपुर में विजिट किया गया और तत्पश्चात जब मंगलौर में जो है यहाँ की टीम है, पुलिस टीम और एसएचओ अरुण कुमार जी यहाँ पर हैं और उनके साथ यहाँ पर छापेमारी की गई। हालांकि बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और एक मेडिकल स्टोर है नीचे आलम मेडिकल स्टोर, जिस पर कि मेडिकल स्टोर पर 2 बच्चे संचालन करते हुए पाए गए और मेरे द्वारा जब घर का पूरा जो शिकायत हमें मिली थी उसके आधार पर घर का निरीक्षण किया गया तो इनके 3rd फ्लोर पर एक कमरा था जहाँ पर जो है हमारे द्वारा खुलाया और वहाँ से जो है भारी मात्रा में नारकोटिक दवाइयाँ मिली हैं, जो कि इंजेक्शन भी हैं, टैबलेट भी हैं और वो जो दवाइयाँ सारी हैं वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जा सकती हैं। और दूसरा उसके लिए जो है नारकोटिक जो दवाइयाँ हैं उसका रजिस्टर मेंटेन करना होता और जो मेडिकल स्टोर वाला संचालक है वो फिलहाल यहाँ पर से अभी गायब। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।